इंडियन फास्ट बॉलर आशीष नेहरा की करीब 8 महीने बाद भारत की टी20 टीम में वापसी हुई है। नेहरा ने अपना पिछला टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ 1 फरवरी 2017 को खेला था। 38 साल के नेहरा की वापसी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फैंस ने सिलेक्टर्स के इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नेहरा के बाद अब जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद की वापसी भी जल्द ही होगी। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। इसमें आशीष नेहरा की वापसी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही। सिलेक्टर्स ने इस फैसले पर कहा, नेहरा चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाले थे लेकिन आईपीएल में लगी चोट के कारण सिलेक्शन नहीं हो सका। इसके बाद टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 1-1 टी20 मैच खेलना था, इसलिए नेहरा का सिलेक्शन नहीं किया गया। फिट होने पर आशीष नेहरा का सिलेक्शन पक्का था। उनका चयन फिटनेस के आधार पर किया गया है न कि फॉर्म को देखकर। रिकॉर्ड्स चेक करें, नेहरा को कभी भी खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर नहीं किया गया है। वहीं फिटनेस के मामले पर एक फैन ने कहा कि ये किस तरह का फिटनेस टेस्ट है जिसमें नेहरा पास हो गए, क्योंकि वो जवानी के दिनों में तो कभी फिट नहीं रहे। गौरतलब है कि टी20 सीरीज के लिए टीम में नेहरा के अलावा 32 साल के विकेटकीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक की भी वापसी हुई है। कार्तिक वेस्ट इंडीज टूर पर टीम इंडिया में शामिल थे। एकमात्र टी20 मैच में उन्होंने 48 रन बनाए।